नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त दस्ते का अस्पताल पर छापा, घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी, वाटोड़ा में 60 बेड का सीसीसी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। संयुक्त दस्ते का अस्पताल पर छापा। नेचुरोपैथी में सर्टिफाइड एक डॉक्टर एलोपैथी दवाइयों से कोरोना मरीजों को उपचार दे रहा था। न्यू कामठी पुलिस को इस संबंध में जानकारी मिली। कामठी के तहसीलदार और जिला अस्पताल की टीम के साथ पुलिस ने धर्मार्थ दवाखाने के नाम पर चल रहे अस्पताल पर छापा मारा। कथित डॉक्टर सैलाब नगर निवासी चंदन नरेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल से एलोपैथी दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त किया गया। चंदन ने नेचुरोपैथी की पढ़ाई की है। पिछले 10 वर्षों से वह सैलाब नगर में धर्मार्थ दवाखाना चला रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि चंदन के पास प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद वह एलोपैथी दवाइयां देकर मरीजों का इलाज करता है। वह कोरोना मरीजों का भी उपचार कर रहा है। न्यू कामठी पुलिस ने तहसीलदार को जानकारी दी और उप जिला अस्पताल को भी सूचना दी। तो वही दूसरे और घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी। नागपुर सकरदरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने 16 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर प्रफुल्ल रामेश्वर उगड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार वह किशोरी से एक तरफा प्यार करता है। बुधवार की रात 8 बजे के दौरान किशोरी अपने घर में बैठी थी, इसी दौरान वह घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ आपत्तिजनक हरकत की, विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट करने लगा, धमका कर वहाँ से चला गया। पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर प्रफुल्ल को गिरफ्तार कर लिया। तो वही तीसरे और वाटोड़ा में 60 बेड का सीसीसी। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े के प्रयासों से पूर्व नागपुर में वाटोड़ा स्थित हैरिसन लॉन में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी प्रमुख डॉक्टर हरीश राजगिरे, डॉक्टर शरद लूटे के मार्गदर्शन में शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्व नागपुर के अनेक लॉन्स व सभागृह फिलहाल खाली है और उनमें और सीसीसी शुरू करने का प्रयास वे कर रहे हैं। हैरिसन लॉन्स में शुरू किए गए सीसीसी में 60 बेड की व्यवस्था की गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।